जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग। तो ये कुछ ज्वेलरीज है ठाकुर जी और राधा रानी के श्रृंगार के लिए मैंने निकाली है। तो देखते हैं उन्हें कैसा श्रृंगार करना है। आज मैं कुछ सिल्वर श्रृंगार करना चाहती हूँ। तो ये कुछ ज्वेलरीज है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर राधा रानी के लिए मंगलसूत्र है, ये कुछ नेकलेस है पर्ल और सिल्वर में, और ये कुछ पत्थर के डिज़ाइन में है। एक्चुअल में ये पत्थर ही है। और ये कुछ यहाँ पर मतलब ज्वेलरी सेट है मेरे, यहाँ मोती के हैं, यहाँ भी है। तो ये सब में कुछ अलग अलग मैंने निकाले हैं, मोती को ध्यान में रख के, पर्ल को ध्यान में रख के। तो मैं अब श्रृंगार करने वाली हूँ राधा रानी और ठाकुर जी का। ये कुछ गोल्डन भी मैंने निकाले हैं, पर मेरा ट्रायल है कि मैं सारा ही श्रृंगार पर्ल और सिल्वर में ही करूं। तो ये मैंने सारी ही तैयारियां कर ली है। यहाँ पर आसन की तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है। तो अब देखते हैं राधा रानी और ठाकुर जी को किस तरह श्रृंगार करना है और वो कैसे तैयार होना चाहते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसे से हमारे राधा रानी और ठाकुर जी तैयार हुए हैं। मैंने दोनों को ही श्रृंगार किया है, तो जैसी उनकी इच्छा थी उसी प्रकार से वो तैयार हुए हैं, हमारे ठाकुर जी और राधा रानी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारी राधा रानी का श्रृंगार। तो देखिए, यहाँ पर हमारी राधा रानी ने बहुत प्यारा सा मुकुट मतलब चूड़ामणि टाइप धारण किया है, गोल्डन और सिल्वर ब्लैक मिक्सिंग कॉम्बिनेशन में उनका पूरा श्रृंगार हुआ है पर्ल के साथ। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने, पूरा ही सिल्वर श्रृंगार किया है। तो कुछ इस तरह से हमारे राधा रमन ठाकुर जी और ठाकुराइन जी तैयार हुए हैं, आप देख पा रहे। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सारा ही अरेंज किया है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दो प्यारे से द्वारपाल खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर दो प्यारे से द्वारपाल हैं, गोपियाँ हैं, हमारी अष्ट सखियाँ हैं। मैं आपको अष्ट सखियों के भी दर्शन कराती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर श्री ललिता जी, श्री रंग देवी जी, श्री विशाखा जी और श्री चंपक लता जी इस तरह से है। और यहाँ पर हमारी गोपियाँ ठाकुर जी को झावर सुविधा दे रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहा है तो कोई ठाकुर जी की आरती कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी श्री चित्रलेखा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी और श्री सुदेवी जी, ये चारों ही अष्ट सखियाँ हमारे ठाकुर जी की, आठों ही अष्ट सखियाँ हमारे राधा रमन जी के सेवा में प्रस्तुत है। और यहाँ पर कुछ गर्मियों के ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर जो पानी में रहने वाले होते हैं उन जीवों को मैंने यहाँ पर रखा है। और कुछ सारा ही श्रृंगार मैंने जो आपको बताया था मैंने वीडियो में कि ज्वेलरी से करना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसे से ठाकुर जी तैयार हुए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मालाएं इस तरह से श्रृंगार सजाई है गादी जी पर। और यहाँ पर हमारे राधा रमन है, और यहाँ पर कुछ फूल बंगला धरा है, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से हमारे राधा रमन जी, हमारे केशव किशोरी जी श्रृंगार करके तैयार हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अद्भुत ऐसा इनका श्रृंगार लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप सभी को कैसे लगा? और यहाँ पर हमारे जाह्नवी के ठाकुर जी भी विराजमान हैं, और ये मैंने गर्मियों के लिए ठाकुर जी को सुविधा दी है। यहाँ मैं अभी गुलाब जल और कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ इसमें रखी हुई है। तो कुछ ऐसा सा पूरा ही श्रृंगार हमने किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले।
और हाँ, अगर आपको ऐसे ही और भी नए नए श्रृंगार आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही कुछ और श्रृंगार आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, और कुछ आप नया हमें भी बताइएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी आज की यह वीडियो देखकर खुश हुए होंगे, हमारे राधा रमन जी भी बहुत खुश हुए होंगे कि ऐसा सा श्रृंगार उन्होंने किया है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।